हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक एंड्रॉयड कार स्टूडियो है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस एंड्रॉयड कार प्लेयर को रीसेट कैसे करेंगे। जब हम इस प्लेयर को रीसेट करते हैं तो हमारा कुछ एप्लीकेशन इसमें से डिलीट हो जाता है, जैसे कि कारप्ले या जेडलिंक। तो जैसे ये देखिए, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये जो हमारा एंड्रॉयड प्लेयर है T5 07 के नाम से मार्केट में है, ये टोपे का T5 प्लेयर है। तो मैं बता रहा था, जैसे कि हम इसको रीसेट करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन इसमें से डिलीट हो जाता है। तो ऐसा क्या मेथड है, कैसे इसको रीसेट करें कि हमारा एप्लीकेशन डिलीट ना हो? तो जैसे कि अभी देखिए, इसमें टोटल हमारा जो एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसमें हम इसको रीसेट करें और ये डिलीट भी ना हो एप्लीकेशन इसमें से, तो क्या बेस्ट मेथड होगा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग, देन उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री का ऑप्शन आएगा, तो फैक्ट्री पे क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड इंटर करना है हमें 123456, फैक्ट्री का जो पासवर्ड होता है 123456, देन कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैकअप एपीके का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमें बैकअप इंस्टॉल एपीके पर क्लिक करना है। बैकअप इंस्टॉल एपीके पर जैसे क्लिक करेंगे, हमारा जो भी इसमें अवेलेबल एपीके होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, सारा उसका बैकअप प्लेयर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम रीसेट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बैकअप कम्प्लीट हो गया, अब हम सिस्टम पर क्लिक करेंगे, सिस्टम, देन यहाँ पर देखिए रीसेट फैक्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, तो रीसेट फैक्ट्री पर जैसे ही क्लिक किया, पासवर्ड हमें इंटर करना है 7890, जैसे हमने रीसेट फैक्ट्री का पासवर्ड इंटर करेंगे देन कंफर्म करेंगे, प्लेयर हमारा अब यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रीसेट हो रहा है प्लेयर, हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया इसमें, तो ये हमारा रीसेट होकर प्लेयर अब ऑन हो गया। पूरे तरीके से ऑन होने देते हैं इसको। देखिए, जैसे हमने रीसेट होकर ऑन हो रहा था, इसमें कुछ आ रहा था, द सिस्टम इज बीइंग कॉन्फिगर्ड, डू नॉट ऑफ द पावर। तो प्लेयर अगर रीसेट होकर ऑन हो रहा है तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि हमारा पावर ऑफ ना हो। अगर पावर ऑफ हो जाता है तो फिर हमारा जो भी एप्लीकेशन बैकअप में आने वाला होता है वो बैकअप नहीं आएगा। तो प्रॉपर तरीके से इसमें ऑन होना चाहिए, इसमें ऑफ नहीं होना चाहिए रीसेट करने के बाद। तो देखिए, इसमें जैसे हमने रीसेट करके ऑन किया, ये कुछ एप्लीकेशन हमारा यहाँ से अभी बैकअप नहीं आया है, जैसे कि आप देख सकते हो धीरे धीरे बैकअप आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ कम एप्लीकेशन, अभी दो तीन एप्लीकेशन बढ़ गया है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक वेट करेंगे। देखिए, सारा एप्लीकेशन हमारा अभी बैकअप आ गया, जो भी एप्लीकेशन पहले से था सारा आ गया, और ऊपर जो हमारा एक रेड कलर का वार्निंग आ रहा था वो भी हट गया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इसको हमने रीसेट भी किया और हमारा कोई एप्लीकेशन डिलीट भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपने T5 प्लेयर को, जो टॉपवे का T5 07 नाम से प्लेयर है, इसको रीसेट करते हैं। तो इस तरीके वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।